ईश्वर ही है और है कौन। तो इस मन को अखंड बनाना है, आज्ञाकारी बनाना है, तो ये बन गया अपना लक्ष्य, पृथ्वी लक्ष्य। ये दोनों को जोड़ेंगे तो लक्ष्य पूर्ण होता है, वरना आधे अधूरे लक्ष्य से इंसान पृथ्वी से जाता है। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। हे परम चेतना, सभी तालमेल में आ जाएं, सभी ईश्वरीय सत्ता के तालमेल में अपने तोलू मन पर विजय प्राप्त करें। तोलू मन पर विजय पाप पुण्य पर विजय है, लाभ हानि पर विजय है, दुख सुख पर विजय है, सम्मान अपमान पर विजय है। सभी सहज मन के साथ जो सशक्ति मन है, जिसकी शक्ति विश्व के सभी मनों से जुड़कर दिव्य योजना के कार्य कर सकती है, डिवाइनली डिजाइन जो प्रोग्राम है हर मनुष्य में काम करे, जैसे हर जीव में काम कर रहा है। हर जानवर हर पौधा अपने डिवाइन प्रोग्रामिंग के अनुसार खुल रहा है, खिल रहा है। मनुष्य भी इसी के साथ तालमेल में आ जाए, प्रेम आनंद मौन में खुले खिले और सभी को प्रेम आनंद बांटे। सभी अपनी शक्तियों को पहचाने, जब इंसान अपनी शक्तियों को जान जाता है तब दूसरों से छीनने का कार्य नहीं करता, दूसरों से ईर्ष्या करके खुद को दुख नहीं पहुंचाता, ईर्ष्या द्वेष घृणा से बीमारियों को आकर्षित नहीं करता। हे परमात्मा, हर मनुष्य से नफरत द्वेष घृणा डर समाप्त हो जाए,
ताकि सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं। सभी सहज मन के साथ आहार ग्रहण करें, भोजन खाएं, जिससे सभी स्वस्थ रहें। तोलू मन के अनुसार खाया गया अन्न बीमार करता है। स्वाद में अस्वाद में अटका तोलू मन स्वास्थ्य से दूर जाता है। सभी की दिशा युक्त बुद्धि विवेक चेतना पूरी समझ के साथ काम करे ताकि तोलू मन पर जीत आसानी से मिल पाए। ऐसा संसार जहां तोलू मन का रोल समाप्त हुआ है, उच्चतम विकसित समाज है। सभी सहज सशक्ति मन के साथ एक दूसरे को मदद करें, क्योंकि ऊर्जा भरपूर है, एनर्जी की कमी नहीं है। सभी को मदद करने के बाद भी आपकी ऊर्जा बरकरार है। आप सभी के लिए प्रार्थना करें। जो भी मनुष्य स्वस्थ हुआ है वह प्रार्थना करे, औरों के लिए प्रार्थना करे, सभी को अपने तप का बल प्रदान करे, सभी को आपके स्वास्थ्य का लाभ मिले, सभी को आपके तप का लाभ मिले। सभी के लिए की गई प्रार्थना आपका स्वास्थ्य बढ़ाती है, सहज मन की शक्ति बढ़ाती है, तोलू मन का रोल समाप्त करती है। इसलिए दिल से प्रार्थना करें, अपने शब्दों में प्रार्थना करें। विश्व के सारे लोगों पर शुभ्र प्रकाश इस तरह फैल जाए कि तोलू मन समाप्त हो जाए, कल्लू मन पिघल जाए, रहे केवल सहज मन, दिशायुक्त बुद्धि, शुद्ध इंद्रियां, निर्मल मन, स्वस्थ शरीर। प्रार्थना चलती रहे।
अंत में अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तपर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो इस मन को अखंड बनाना है, आज्ञाकारी बनाना है, तो ये बन गया अपना लक्ष्य, पृथ्वी लक्ष्य। ये दोनों को जोड़ेंगे तो लक्ष्य पूर्ण होता है, वरना आधे अधूरे लक्ष्य से इंसान पृथ्वी से जाता है, वह जान ही नहीं पाया वो पृथ्वी पर क्यों आया, पृथ्वी की पाठशाला में कौन से सबक उसको सीखने थे, बिना सीखे चला जाता है। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो दो रास्ते हैं, तीन शक्तियां हैं, इस पर हम बात करेंगे। शुरुआत में ही अगर हमें ये बातें मालूम पड़ गई तो हम भरपूर लाभ ले सकते हैं, तेज लाभ, जो लाभ और नुकसान के परे है वह लाभ हम ले पाएंगे। व्यक्ति अहंकार, नकली मैं, मैन्यता जिसको कहा जाए, मैन्यता, मैन्यता यानी ऐसी मान्यता जिसमें हम अपने आप को शरीर मानकर जीते हैं कि ये जो शरीर है यह मैं हूँ। हालांकि हम जब कहते हैं ये मेरी घड़ी है तो हमें बिल्कुल मालूम होता है कि ये घड़ी मैं नहीं, लेकिन जब कहते ये मेरा शरीर है तब ये बात इंसान भूल जाता है, वो शरीर को ही मैं कहता है। मेरा हाथ मैं नहीं हो सकता, मेरी आँख मैं नहीं हो सकता, मेरा कान, जैसे मेरा चश्मा। शरीर को जख्म लगा तो कहता है इंसान मुझे जख्म हुआ, मगर कहना क्या चाहिए, जैसे शर्ट फट गई तो आप ये नहीं कहते मैं फट गया, आपको बिल्कुल क्लियर मालूम है शर्ट आप नहीं, कुर्ता आप नहीं, आपको बहुत साफ साफ दिखता है। वैसे ही इंसान को ये बहुत साफ साफ दिखे कि जिस शरीर का वह उपयोग कर रहा है वह शरीर वह नहीं है, तो ये जो नकली मैं बन गया है जो शरीर को मैं मान रहा है, इसको कहा गया मैन्यता। मान्यता का अर्थ है क्या, जो इंसान मानकर बैठा है, जैसे कोई मानकर बैठा है कि हाथ में खुजली होगी तो पैसे आएंगे और ये आंख फड़केगी तो अपशगुन होगा, कुछ तो बुरा होगा, इंसान मानकर बैठा है, बिल्ली रास्ता काट के गई तो कुछ गलत होने वाला है, 13 तारीख गलत है, ये मान्यता है। शाम में झाड़ू आपको नहीं करनी चाहिए। जब ये मान्यताएं बनी तब कुछ कारण था, तब बिजली नहीं थी तो लोग शाम में झाड़ू निकालते वक्त कोई कीमती चीज बाहर न फेंक दे, तो मान्यता बना दी गई। कि शाम को झाड़ू लगाओ ही मत, मान्यता नहीं देते तो लोग क्या कहेंगे, नहीं नहीं मैं तो बहुत होशियार हूं, मैं तो बहुत ध्यान से झाड़ू लगाता हूं, मुझसे ऐसा नहीं होगा, मगर घटना ऐसी ही होती है। तो मान्यता बना दी जाती, ये करो ही मत, ये करना बुरा। जो पूर्वज थे उन्हें समझ थी, खबरदारियों के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए कुछ मान्यताएं बना दी गई जो सुरक्षा की भावना के लिए था, मगर लोग
इसको जिंदगी भर बिजली का आविष्कार होने के बाद भी वही करते रहेंगे अगर, तो वापस से रीथिंक करने का समय आता है, फिर से सोचने का क्या इस मान्यता की आज भी आवश्यकता है या नहीं है। आवश्यकता नहीं है तो मान्यता टूट जाती है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।